तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन ऑप्शन एक्सरसाइज है इससे क्वेश्चन नंबर वन करते हैं द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय थ्री हैं एक का नाम है अनी और एक का नाम है बीजू इन दोनों की उम्र में थ्री इयर्स का डिफरेंस है अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी नी के पिताजी हैं धर्म वो अनि से डबल है एज में एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी और एक इसके अंदर कैथी है वो बीजू की हाफ है क्योंकि बीजू ट्वाइस है तो कैथी हाफ हो गई द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय थर्टी ईयर्स और धर्म और कैथी का जो डिफरेंस है एज में वो थर्टी ईयर्स है फाइंड द एजिस ऑफ अनि एंड बीजू तो आपको अनी और बीजू की जो एज है वो आपको निकालनी है तो इन एजिस को पहले तो आप एक्स वाई मान लीजिए उसके बाद आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आएगा लेट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू एक्स इंड एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू वाई ईयर्स अब सबसे पहले ये दिया हुआ है कि अन्नी और बीजू का जो डिफरेंस है ना वो तीन साल का है और इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये क्लियरली क्वेश्चन के अंदर पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो इसमें दो बातें हो सकती हैं अगर एनी बड़ा है तो आपका एक्स माइनस वाई थ्री हो जाएगा अगर बीजू को बड़ा मानते हैं तो आपका y माइनस एक्स थ्री हो जाएगा तो ये बात इसके अंदर सबसे पहले तो यह ध्यान देने की बात है इसके बाद जो इसमें केसेस हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन बनेगी पहला केस है कि जो धर्म है अनी के पिताजी हैं धर्म वो उनसे डबल है एज में तो धर्म की एज लिखते हैं यहां पे। अनीस फादर धर्मस एज क्वेश्चन में है ये अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनि अनी से डबल है उनकी एज तो धर्म की एज हो जाएगी आपका टू एक्स और दूसरी है बीजू और उसकी सिस्टर कैथी के बारे में बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी तो बीजू डबल है तो जब बीजू डबल है तो सिस्टर उसकी हाफ होगी तो यानी कैथी इज एज कैथीस एज इसमें बीजू की हाफ हो जाएगी यानी वन अपॉन हाफ वाई तो धर्म और कैथी का एज ये है इसके आगे रिलेशन है एजेस ऑफ कैथी एंड डिफर एंड धर्म डिफर बाय थर्टी इयर्स. धर्म और कैथी की एज का जो डिफरेंस है ना वो थर्टी इयर्स है अब इसमें कौन बड़ा होगा आप इमेजिन कीजिए कोर्स धर्म एज ही ज्यादा होगी क्योंकि ये डबल है टू आईजेक्स कैथी तो छोटी बहन है उसकी बीजू की तो दोस्त का जो पिताजी है वो ही बड़ा होगा तो अकॉर्डिंगली टू एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू थर्टी ये धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस है और ये थर्टी बुक में दिया हुआ है तो यहां से आपके बने हैं अब इस सवाल को आप दो पार्ट में करेंगे देखिए क्योंकि अन्य और बीजू की एज क्लियर नहीं है क्वेश्चन में तो एक बार तो हम ये मान के करेंगे कि अन्य बड़ा है पूरा सॉल्व करेंगे और इन दोनों की एज आएगी दूसरी बारी में हम बीजू को बड़ा मान के पूरा क्वेश्चन करेंगे फिर उनकी दो एज आएंगी तो कुल मिला के इसमें आपके दो आंसर आएंगे चलिए पहले यहां से करते हैं इसमें मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और ये जो रिलेशन आया है इसे मैं सेकंड मान लेता हूं यहां से सेकंड इक्वेशन बनेगी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी टू टूर फोर एक्स माइनस ये वाई है ये टू इसका एल्सियम पूरा नीचे इज इक्वल टू तो थर्टी फर्दर सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू तो सिक्सटी ये फाइनल आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई इसे भी मैं नंबर टू ही रखूंगा क्योंकि ये इसी का सोल्यूशन है अब वन और टू से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे फ्रॉम वन एंड टू फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर रखते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री इसे नीचे रखते हैं फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि y का कोफिशेंट ऑलरेडी सेम बना हुआ है तो इसमें आपको सेम बनाने की जरूरत नहीं है इसी को सब कर देंगे इक्वेशन को तो यहीं से आपका वाई एक्स आ जाएगा तो साइन चेंज करेंगे प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस वाई एलिमिनेट हो गया आपका तो माइनस के थ्री एक्स इधर बच गए और इधर आ गया आपका माइनस का फिफ्टी सेवन तो एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस फिफ्टी सेवन अपॉन माइनस थ्री यानी एक्स आ गया आपका नाइनटीन माइनस से माइनस कट गया एक्स आपका नाइनटीन आ गया अब एक्स तो आ गया वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन वन में पुट कर देता हूं एक्स की वैल्यू लैंग्वेज लिखूंगा यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन ये मेरी क्वेश्चन वन है यहाँ पे मैं नाइनटीन लिखता हूँ, माइनस वाई की जगह पे वाई लेना है इज इक्वल टू थ्री तो माइनस वाई हो जाएगा आपका थ्री ये इधर जाके माइनस नाइनटीन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए दोनों तरफ वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू आपकी आ गई तो इसमें यह है कि एक्स यानी कि अनी अनी अगर 19 ईयर का है तो उसका दोस्त बीजू आपका 16 साल का है लेकिन ये तब एज आई है जब मैंने यहां पे अनी को बड़ा माना हुआ है लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है कि इसका दोस्त बीजू बड़ा हो ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो फिर से दोबारा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको अब इस इक्वेशन को आप ले लीजिए थ्री और इस इक्वेशन के साथ में आपको ये वाला कॉम्बिनेशन लगाना है अपना चीज जो कैथी और धर्म का डिफरेंस है ना इस इक्वेशन को लेके आपको फिर से एक इक्वेशन बना के यहां से एक्सरवाई निकालने है। तो चलिए इस बार लेते हैं फ्रॉम फ्रॉम थ्री एंड टू तो थ्री इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूं और यहां से ये वाले टू फोर एक्स तो 4x को x के नीचे लिखना है 4x एक्स माइनस वाई इसे यहां लिखना है ये प्लस का है आपका x इज इक्वल टू सिक्सटीन अब इसमें भी देख रहे हैं आप ये सिंपल एलिमिनेट हो रहे हैं और इसमें तो आपको सब की भी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि प्लस माइनस के ऑलरेडी है तो तब ऐसा होता है तो आपकी जो क्वेश्चन है ना वो ऐड होती है तो ये कट गया आपके एलिमिनेट हो गए और फोर और माइनस वन ये आपका थ्री एक्स आ गया एक्स आ गया आपका ये प्लस हो जाएंगे सिक्सटी थ्री तो एक्स की वैल्यू आ गई सिक्सटी थ्री अपॉन थ्री यानी एक्स आ गया आपका ट्वेंटी वन अब यहां से वाई की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन है मेरी वाई माइनस एक्स एक्स की जगह ट्वेंटी वन लेंगे इज़ इक्वल टू थ्री तो वाई आ जाएगा आपका थ्री ये इधर जाके प्लस हो गया वाई की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर तो यहां से आपकी ये दो ई चीज ये आ गई अब फाइनल जो आपको आंसर लिखना है ना वो ये सारे लिखने हैं किस तरह लिखना है कि एज एज इफ अनीस एज इज नाइनटीन इफ अनीस एज ज नाइनटीन देन बीजूस एज इज सिक्सटीन यहां पर से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनिज एज नाइनटीन और बीजूस एज सिक्सटीन और या फिर यह वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहां पर अनि की एज ट्वेंटी वन हो और बीजू की एज ट्वेंटी फोर हो तो और करके ऐसे लिख सकते हैं और अनीस एज ट्वेंटी वन एंड बीजूज एज इज इक्वल टू आपका ट्वेंटी फोर तो क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सा अलग था क्योंकि मेन बात इसमें ये थी कि आपको जो दो दोस्त है ना उनमें ये नहीं दिया हुआ कि इनमें एक्चुअली बड़ा कौन है तो इस वजह से इस क्वेश्चन को दो बार करना पड़ जाता है एक बार अनी को बढ़ा लेके एक बार बीजू को बढ़ा लेके तो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स भी दो आएंगे कि अगर अनि उन्नीस है तो फिर बीजू सोलह होगा अगर अन्य इक्कीस है तो बीजू आपका ट्वेंटी फोर ईयर्स होगा ये ईयर्स हैं एजेस में आप ईयर्स लगाना चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन टू की लैंग्वेज है वन सेज गिव मी आंड्रेड फ्रेंड कोई दो दोस्त हैं उनमें से एक कहता है कि दोस्त तू मुझे सौ रुपए दे दे आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू तो मैं तेरे से डबल अमीर हो जाऊंगा जितना अभी तो है ये पहला बंदा कहता है द अदर रिप्लाइज फिर उसका जो दूसरा दोस्त है वो क्या कहता है इफ यू गिव मी टेन आई शैल बी सिक्स टाइम्स एज रिच एज यू दूसरा कहता है कि अगर तू मुझे दस दे दे तो मैं तेरे से छह गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल तो बताइए उनके पास कितने कितने पैसे थे तो देखिए दो दोस्त है ना इसमें उनका ही आपको अमाउंट बनाना है तो उन्हें लेट कर लीजिए तो लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equal to rupees x एंड अमाउंट ऑफ second फ्रेंड is equal to rupees y मान लिया पहले दोस्त के पास तो x रुपए थे और दूसरे दोस्त के पास आपके y रुपीज थे अब केस वन पे आते हैं केस वन में पहला दोस्त कह रहा है कि अगर तू मुझे सौ रुपए दे दे यानी ये पहला दोस्त और ये दूसरा दोस्त और पहला कह रहा है दूसरे से कि अगर तू मुझे सौ रुपये दे दे यानी कि इसके सौ रुपये बढ़ जाएंगे और इसके सौ रुपये घट जाएंगे क्योंकि ये देगा ना अपने में से तो फिर क्या हो रहा है फिर ये डबल हो जाएगा ये कहता है कि अगर तू मुझे सौ रुपये दे दे तो मैं तेरी कैपिटल का डबल हो जाऊंगा तो ये डबल हो गया अगर मुझे इक्वेशन बनानी है और इन्हें बराबर करना है तो जो कम है उसको मैं डबल करूंगा क्योंकि यह तो ऑलरेडी डबल है बराबर करने के लिए इस अमाउंट को डबल कर दूंगा तो यह बराबर हो गए ये आपका केस है इसी तरह से आपका केस टू में यह आपका पहला दोस्त यह आपका दूसरा दोस्त इस बार दूसरा दोस्त कह रहा है पहले वाले से कि अगर तू मुझे दस रुपए दे दे यानी कि इसके पास दस रुपए आ जाएंगे और ये देगा तो इसके पास से चले जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे दस रुपए दे दे तो मैं तेरी अमाउंट का सिक्स टाइम्स हो जाऊंगा तो अब ये सिक्स टाइम्स हो चुका है तो अगर इन्हें मुझे बराबर करना है तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये इसके बराबर होगा ये आपका केस तो था सिंपल सा केस है इन्हें सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी एक्स वाई की चलिए इनसे इक्वेशन बनाते हैं x प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2y ये माइनस का 200 हंड्रेड एक्स लिया यहां से y लिया और नंबर एक तरफ तो माइनस टू और माइनस हंड्रेड एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री हंड्रेड ये आपकी बनी है फर्स्ट इक्वेशन तो इसका नाम रखेंगे इक्वेशन वन इसी तरह यहां से बनेगी एक इक्वेशन एक इज इक्वल टू वाई प्लस टेन तो सिक्स एक्स यहां लिया वाई को मुझे इधर लाना है तो माइनस हो जाएगा और नंबर्स को इधर लेना है तो ये टेन और ये इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा 60. तो इक्वेशन बनी सिक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा तो यही आपकी फाइनल टू अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी एक्स वाई आ जाएंगे एलिमिनेशन मेथड लगाना है इसमें आपको किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप जो आपको अच्छा लगे मैं एलिमिनेशन से करूँगा फ्रॉम वन एंड टू मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल माइनस थ्री हंड्रेड यहाँ पे सिक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवेंटी अब कॉफिशियंट तो इसमें किसी के बराबर है नहीं कॉफिशेंट बराबर नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे मैक्स से कॉफिशियंट सेम कर लेता हूं तो यहां पे वन है और यहां पे सिक्स है सिक्स और वन का एल्सियम आपका सिक्स होता है यानी दोनों तरफ सिक्स एक्स बना लेंगे और इसको सिक्स एक्स बनाने के लिए आपको सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको किसी से नहीं करना फिर भी आप फॉर्मेलिटी के लिए यहां पे वन लिख सकते हैं तो ये हो गया सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल माइनस एटीन हंड्रेड यहां पर एज इट इज माइनस वाई इज इक्वल टू सेवेंटी अब इन्हें सेपरेट करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस और ये आपका प्लस है ना तो ये माइनस हो गया एक्स एलिमिनेट हो गया यह माइनस का इलेवन वाई आ गया और ये वैल्यू भी आपकी माइनस की आ गई क्योंकि दोनों माइनस है एड हो जाएंगे तो माइनस एटीन हंड्रेड माइनस से तो माइनस है खत्म हो गया दोनों तरफ y की वैल्यू आ गई आपकी 1870 सेवनटी अपॉन में इलेवन वाई आप निकाल लेंगे तो यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा आपको ये मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ 1870 को 11 से सेवन सा सेवेंटी सेवन जीरो आपका ज़ीरो पे चला गया ये आ गया आपका 170 y आ गया 170 एक्स और निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन आपको जो छोटी लग रही है उसमें पुट कर दीजिए देखिए मुझे इस बार ये टू जो इक्वेशन है ना ये थोड़ी छोटी लग रही है इसमें पुट कर देता हूं मैं इक्वेशन टू सिक्स एक्स माइनस वाई की जगह वन लेना है आगे इज इक्वल टू सेवेंटी सॉल्व करेंगे सिक्स एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा वन सेवेंटी तो सिक्स एक्स आ गया आपका टू हंड्रेड फोर्टी तो एक्स आ जाएगा टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी फोर्टी तो एक्स और वाई आ गए आपके तो ये भी पता चल गया कि अमाउंट कितनी थी फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड के पास अब आप अपना आंसर लिखेंगे देयर फोर फर्स्ट फ्रेंड हैज़ पहले दोस्त के पास है एक्स फोर्टी रुपीज में है ये तो रुपीज लिखिए आप इसे रुपीज फोर्टी एंड सेकंड फ्रेंड हैज़ वाई यानी कि रुपीज वन हंड्रेड सेवेंटी आप इसे चेक करना चाहें ना कि आपका आंसर सही है गलत है तो आप चेक भी कर सकते हैं देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है ना फर्स्ट कंडीशन ये एक्स और ये वाई एक्स की जगह यहाँ पे आप फोर्टी भरिए फोर्टी दूसरे दोस्त से इसने सौ रुपये लिए ले लिए यहाँ कितने बन गए एक सौ चालीस इधर क्या हो रहा है इस दोस्त ने वाई ने अपने एक सौ सत्तर में से सौ इसको दिए थे तो ये यहां पे टू लिखा हुआ है ये सत्तर सत्तर दोनी एक सौ चालीस यानी आपका आंसर बिल्कुल ओके है ये बिल्कुल ठीक आंसर है चलिए क्वेश्चन थ्री करते हैं क्वेश्चन थ्री में लैंग्वेज है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो बीच में कहीं भी अपनी स्पीड ना तो कम करती है ना ज्यादा एक सार स्पीड से चल रही है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन है किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड है टू आवर्स लेस देन द स्केड टाइम तो फर्स्ट इसमें यह है कि अगर वह जो ट्रेन है ना अगर वो दस किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा देती है तो जितना टाइम उसको लगता है उससे वो दो घंटे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी ये आपका केस वन है मान लीजिए ए से बी तक जाना है ये डिस्टेंस हुआ एक प्रॉपर स्पीड है ये स्पीड है अगर स्पीड को प्लस टेन कर देते हैं बढ़ा देते हैं तो जो टाइम लग रहा है ना वो दो कम हो जाएगा दो घंटे कम ये पहला केस है सेकेंड केस में डिस्टेंस तो वही है जितना उसको जाना है सर्टेन डिस्टेंस लिखा हुआ है इसमें लेकिन इसमें केस ये है कि अगर इस बार स्पीड को आगे लिखता है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय टेन किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड को दस कम कर देते हैं इट वुड हैव टेकन थ्री आवर्स मोर देन दड्यूल टाइम तो इसको अब तीन घंटे ज्यादा लगेंगे यानी कि टाइम आपका प्लस थ्री हो जाएगा तो इसमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन तो ट्रेन एक्चुअली चल कितनी रही है ये जो डिस्टेंस है ना ये आपको निकालना है और डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इन टू टाइम और स्पीड और टाइम का यहां पे प्रॉब्लम दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको स्पीड और टाइम ही निकालनी होगी डिस्टेंस तो फिर अपने आप ही आ जाएगा प्रोडक्ट करके तो स्पीड और टाइम को लेट कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन ज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्केड्यूल टाइम स्केड्यूल टाइम का मतलब होता है जिस टाइम पे उसको वहां पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे स्केड्यूल टाइम हो ले लेते हैं इसमें आपका वाई वाई आवर कितने घंटे में पहुंचना है तो केस वन में क्या बन रहा है आप ऊपर से देख के बताइए देखिए स्पीड 10 बढ़ रही है ये मेरी स्पीड है एक्स और टाइम वाई कम हो रहा है ये मेरा वाई है तो स्पीड को आपको टेन प्लस करना है स्पीड बढ़ा दी आपने तो आपका जो टाइम है वो दो कम हो जाएगा ये दो तो ये आपकी स्पीड है ये आपका टाइम है और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है वो होता है आपका डिस्टेंस तो ये किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितना x इंटू वाई क्योंकि हमने स्पीड और टाइम को एक्स वाई माना है ना तो ये वो डिस्टेंस है फर्स्ट केस बन गया सेकंड केस पे देखिए केस टू में आपकी स्पीड तो दस कम हो रही है तो ये तो है स्पीड और ये है आपका टाइम इसमें स्पीड में से दस आप माइनस करेंगे क्योंकि स्पीड दस कम हो रही है और टाइम आपका तीन घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसमें टाइम आप प्लस कर देंगे और इनका जो प्रोडक्ट होगा ये स्पीड है यह टाइम है इनका प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस तो डिस्टेंस आपका एक्स वाई गए दो केस यहां से सिंपल आपकी दो आएंगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे बाइनोमियल की बाइनोमियल की से प्रोडक्ट करना है साफ साफ दिखाई दे रहा है आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो जैसे x को पहले y से फिर इससे मैं पूरा खोल के दिखाता हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं आता वो भी इसको प्रॉपरली सीख जाएं जब इस तरह से होते हैं तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर लेते हैं और दूसरा ब्रैकेट पूरा उतार लेते हैं प्रोडक्ट में फिर इसका नंबर लेते हैं दूसरा साइन के साथ में और फिर से यह वाला ब्रैकेट पूरा उतार देते हैं इज इक्वल टू ये आपका एक्स वाई अब एक्स इन टू वाई एक्स वाई और ये टू है तो माइनस टू एक्स ये टेन वाई और टेन टू जर माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स वाई दोनों तरफ एक्स वाई है सेम सेम ये आपका कैंसिल हो गया यहां से बना आपका माइनस टू एक्स प्लस टेन वाई और इस माइनस ट्वेंटी को मैं इधर ले जाऊंगा ताकि मेरी इक्वेशन बन जाए ये ट्वेंटी हो गया अब आप इसमें देखेंगे कि टू इसमें कॉमन है दोनों साइड तो मैं टू से इसको डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो लैंग्वेज लिखूंगा डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड्स क्या बन जाएगा ये मेरा माइनस एक्स रह जाएगा क्योंकि टू से टू कट के वन हो गया ये रह जाएगा प्लस का फाइव फाइव वाई और इसे टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका टेन ये मेरी फाइनल इक्वेशन नंबर वन बन गई ऐसे यहाँ से टू इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें भी वही करना है पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट इसका दूसरा नंबर फिर से दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स तो वाई ये एक्स वाई हो गया प्रोडक्ट ये थ्री एक्स हो गया प्लस माइनस टेन वाई हो गया और प्लस माइनस माइनस और थ्री टेन सा थर्टी इज इक्वल टू एक्स वाई फिर से एक्स वाई आपके इसमें कॉमन आ गए ये दोनों तरफ सेम कट गए यहाँ से बना थ्री एक्स माइनस टेन वाई और ये मैं इधर ले जाऊँगा तो ये इज इक्वल टू थर्टी आ गया कुछ कॉमन तो है नहीं इसमें तो यही मेरी क्वेश्चन टू है अब इसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से तो फ्रॉम वन एंड टू वन इक्वेशन को लगाते हैं ऊपर माइनस एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू टेन सेकेंड को लगाते हैं नीचे थ्री एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू थर्टी कोई कॉफिशेंट तो इसमें सेम हो नहीं रहा लेकिन सेम तो बनाना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए तो यहां पे माइनस का एक्स है यानी माइनस वन और यहां पे थ्री है और थ्री का और वन का एलसीएम आपका थ्री होता है तो मैं दोनों तरफ ना थ्री एक्स बनाऊंगा और इसको थ्री एक्स बनाने के लिए एक तो आपको माइनस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनाना है ना और एक पड़ेगी आपको थ्री की जरूरत तब जाके थ्री एक्स बनेगा और इसको तो कुछ नहीं बनाना इसको तो आपको वन से ही करना है तो यहां माइनस थ्री से इक्वेशन को आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है तो पहला तो यही आ जाएगा थ्री एक्स दूसरा माइनस प्लस माइनस और फाइव थ्री फिफ्टीन वाई और यहां पे माइनस का थर्टी इज इक्वल टू माइनस थर्टी इधर सेम टू सेम यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी इज इक्वल टू थर्टी अब सब करेंगे साइन चेंज प्लस का माइनस माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया यहाँ पे आया आपका माइनस फाइव वाई और इधर हो गई माइनस के सिक्सटी माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ y की वैल्यू बन रही है आपकी सिक्सटी 5 फाइव तो y आ गया आपका ट्वेल्व तो y तो आ गया अब x की वैल्यू निकालनी है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू को x आ जाएगा लैंग्वेज लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन माइनस एक्स इट इज़ प्लस फाइव वाई की जगह लिखना है ट्वेल्व और इज इक्वल टू ये टेन तो माइनस एक्स प्लस ये सिक्सटी हो गया इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस सिक्सटी प्लस सर ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा इस तरफ आके okay. ये होगा आपका टेन माइनस सिक्सटी तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का फिफ्टी माइनस माइनस दोनों तरफ से खत्म एक्स की वैल्यू आ गई आपकी फिफ्टी तो एक्स और वाई आ गए आपके यानी कि आपके आंसर्स आ गए फाइनल आप आंसर इस तरह से लिखेंगे देआर फोर स्पीड ऑफ ट्रेन इसे आपने एक्स लिया हुआ है तो ये फिफ्टी है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम स्केड्यूल टाइम स्केड्यूल टाइम आपने वाई लिया हुआ है और ये आया 12 तो ये 12 घंटे ये आपके आंसर्स चलिए इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है पार्ट नहीं है क्वेश्चन लैंग्वेज देखें इसकी द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज क्लास के बच्चों को रो में लाइनों में खड़ा करना है इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो अगर एक रो में तीन बच्चे ज्यादा खड़े कर देते हैं देयर वुड बी वन रो लेस तो एक लाइन कम हो जाएगी बच्चे तो उतने ही हैं, फ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो अगर एक लाइन में तीन बच्चे कम कर देते हैं देन देर वुड बी टू रोज मोर तो दो लाइने ज्यादा हो जाएंगी फैंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास तो बताइए क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं पहले तो इस रो के कॉन्सेप्ट को देखते हैं देखिए ये आपकी चार रोज है वन टू थ्री फोर और मैं यहां कुछ बच्चों को खड़ा कर रहा हूं फर्स्ट रो में मेरे तीन बच्चे ऐसी सेकंड में ऐसे थर्ड में ऐसे फोर्थ में तो टोटल बच्चे कितने हुए फोर इंटू थ्री यानी ट्वेल्व अगर इस अरेंजमेंट को मैं किसी और तरीके से करता हूं यानी अपनी चौथी रो में से हटा के इन तीन बच्चों को मैं यहां पीछे लगा देता हूं ऐसे तो बच्चे तो उतने ही हैं, लेकिन फर्क कहां पड़ा दो चीजों पे फर्क पड़ गया एक तो आपकी जो रोज है ना वो चार से घट के तीन हो गई एक दो तीन दूसरा फर्क पड़ा कि आपकी एक रो में बच्चे तीन की बजाय अब चार हो गए लेकिन बच्चों की संख्या सेम है पहले फोर थ्री जार ट्वेल्व था अब थ्री फोर जार ट्वेल्व बच्चे तो ना घटे ना बढ़े ये समझ गए आप अब आप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा तो इसमें दो चीजें हैं एक तो नंबर ऑफ रोज कितनी है दूसरा एक रो में आपके बच्चे कितने हैं इनको ही आपको लेट करना है चलिए लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो ये है बुक में आपका वन में मैं ईच लिख लेता हूं ईच रो मतलब हर लाइन में आपके अभी जितने हैं फिलहाल वो कितने बच्चे हैं एक्स एंड नंबर ऑफ रोज कितनी लाइनों में खड़े हैं वो उसे मैंने वाई मान लिया तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे देयर टोटल स्टूडेंट्स अभी बताया ना मैंने आपको ये चीज करके जितनी लाइन और हर लाइन में जितने बच्चे हैं उनका प्रोडक्ट किया तो आपके टोटल स्टूडेंट आ गए तो यहाँ टोटल स्टूडेंट आपके एक्स वाई हैं अब केस वन बनाते हैं देखिए केस वन में ये मैंने लिया कि एक लाइन में कितने बच्चे और ये मैंने लिया कि लाइनें है कितनी हैं अब केस वन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन आर रो ये रो के बच्चे हैं ना तो इसमें अगर थ्री जोड़ देते हैं देयर वुड बी वन रो लेस तो एक रो की गिनती कम हो जाएगी मतलब एक रो आपकी कम हो जाएगी तो ये एक रो के बच्चे और ये नंबर ऑफ रोज तो आपका टोटल स्टूडेंट और वो कितना एक्स वाई ये बन गया केस वन इसी तरह से आपका केस टू बनेगा केस टू में मैं पहले लेता हूँ यहां पे कि एक लाइन में कितने बच्चे और यहां पे आपकी कितनी रोज इसके बाद में केस टू पढ़ता हूँ इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो अगर एक रो में से तीन बच्चे कम कर देते हैं देन देयर वुड बी टू रोज मोर तो आपकी रोज की संख्या दो एक्स्ट्रा हो जाएगी मतलब दो लाइनें आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी बच्चों को खड़ा करने के लिए तो ये किसके बराबर टोटल स्टूडेंट्स बच्चे तो उतने ही है ना जितने शुरू में थे तो ये आपका केस टू अब सिंपल इसमें से आपकी इक्वेशन बन रही है और वो सॉल्व हो जाएंगी चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका थ्री था ये इसी तरह की इक्वेशंस बन रही हैं तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स वाई यहाँ से एक्स वाई ये माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कट गया आपका माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री बन गई फर्स्ट इक्वेशन ये लीजिए यहां से सेकेंड बनेगी x y प्लस टू फिर माइनस थ्री फिर y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई इनका प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस प्लस माइनस थ्री टू जिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कट गया आपके ये बच्चा टू एक्स माइनस थ्री वाई और इस सिक्स को मैं इधर ले जाता हूं इज इक्वल टू सिक्स नंबर टू इक्वेशन अब एलिमिनेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू फर्स्ट इक्वेशन को रखते हैं ऊपर माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री सेकेंड को नीचे टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स इसमें आपको कुछ दिख रहा है सेम सेम मुझे वाई दिख रहा है सेम और इनके जो साइन है वो भी उल्टे हैं तो मुझे साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है सिंपली ऐसे ही मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो जो हो रहा है उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा यानी यहां टू यहां पे माइनस वन तो आपका एक एक्स बच गया यहां थ्री यहां प्लस सिक्स ये आ गया आपका नाइन तो एक्स की वैल्यू आपकी नाइन आ गई वाई भी निकालना है तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में भर देते हैं छोटी सी इक्वेशन है वन यहां पे एक्स जगह मुझे लिखना है नाइन तो ये है मेरा माइनस नाइन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री तो थ्री वाई हो जाएगा आपका थ्री ये इधर चला जाएगा प्लस में तो वाई की वैल्यू आ गई ट्वेल्व वाई की वैल्यू ट्वेल्व अभी वाई निकालेंगे तो ट्वेल्व बाई थ्री हो जाएगा यानी वाई आ गया आपका फोर तो एक्स और वाई आ गए आपके अब एक्स आपने लिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो तो फाइनल आप आंसर इस तरह लिखेंगे दे फोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल हो गए आपके नाइन एंड नंबर ऑफ रोज वो हो जाती है आपकी फोर लेकिन आपको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो फाइनल आंसर आपका ये होगा आंसर दे आर टोटल स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं इनका प्रोडक्ट ही तो होता है यानी कि एक्स वाई और यहां पे नाइन और फोर है तो नाइन फोर थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स तो पूरे आपके 32 स्टूडेंट्स थे ये आपके चार क्वेश्चन थे 3.7 से आई होप आपके चारों के चारों, चारों अच्छे समझ में आए होंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है ये डाउट भी रहता है कि क्या ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं है इसमें नीचे लिखा होता है एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी बोर्ड की क्लास है आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसमें जो है ना आपके थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो इन्हें आप ज़रूर तैयार करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना दोस्तों में क्लासमेट्स में अपना शेयर कर देना और टेंथ क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना थैंक यू